आप देख सकते हैं ये जो बाज़ार है सिवान ज़िले के चैनपुर बाज़ार, जो कि सिसवन प्रखंड में पड़ता है, और चैनपुर बाज़ार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चैनपुर बाज़ार जो कि दूर दराज एरिया से तमाम लोग, देहात से, गांव से, सिवान ही नहीं बल्कि छपरा के लोग भी यहां पे बाज़ार करने के लिए आते हैं। आज का जो बाज़ार सजा हुआ है छठ को लेकर के, चैती छठ जो कि नज़दीक आ चुका है, यानी कल है चैती छठ और आज खरना है, कल नहाए खाए था और कल जो शाम को छठ घाट जाया जाता है, छठ है यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने वाला। आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकान पे सामान है आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे तमाम दुकानों पे सामान उपलब्ध है। नारियल है, आपका चावल है, तमाम चीज़ें यहाँ पे, अगरबत्ती है, सिंदूर है, तमाम चीज़ें यहाँ पे, घी है, सब कुछ इस दुकान पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी चैनपुर बाज़ार में अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप चैनपुर बाज़ार में छठ को लेकर के आपको सब सामान भरपूर यहाँ पे मिल सकता है, जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं गौर से सब कुछ यहाँ पे, यानी साठी का यह चावल बोला जाता है, बताशा है, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। जो भी ज़रूरत की आपकी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। चैती छठ जो होता है, जहाँ तक मालूम है और पारंपरिक रूप से लोग बताते भी हैं कि ये एक भारा होता है, यानी कि अगर आप छठी मैया से कुछ मनोकामना मांगते हैं तो आपको मनोकामना जब आपकी पूर्ण होती है, पूरी होती है, तब आप इस व्रत को कर सकते हैं। उसमें एक होता है 2 साल, 5 साल, 11 साल, 7 साल, कुछ अवधि होती है, वो पूरा कर लीजिए। सामने आप देख सकते हैं फल की दुकान है, जो कि समापन की ओर, यानी शाम का समय है, समापन की ओर बाज़ार जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाज़ार में तमाम चीज़ें और तमाम लोग यहाँ पे समाप्ति की ओर, जो यानी कि जो फल वोल जब कुछ सब कुछ था वो अब यहाँ पे समापन की ओर जा रहा है। सब कुछ जो सामान्य थे, केला था, अंगूर था, अनारस था, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे समापन की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं गौर से यहाँ पे जो कुछ भी सामान्य हैं सब कुछ आपको देखने को मिल जाए। कौतूहल है लोग यहाँ पे, तमाम लोग यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यानी बाज़ार में भीड़ जो है वो भी भीड़ जो होनी चाहिए, तमाम भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं लोग जो हैं टूट पड़े हैं, आ चुके हैं। शाम का समय यानी कल ही छठ है, तो आज बाज़ार करना जरूरी है, और अगर आज बाज़ार नहीं करते हैं तो कल छठ आप कैसे कर पाएंगे। जैसा कि बताते चले, तमाम लोग जो जिनके घर में अगर औरतें हैं, तमाम लोग यहाँ पे बाज़ार करने हैं। बातें जो हुई उसमें उन्होंने लोगों ने भी बताया कि छठ का जो महत्व होता है हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व होता है। इस व्रत के दौरान उपवास रखना पड़ता है, यानी कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता इस व्रत को जब किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इनका कहने का साफ तौर पर तात्पर्य है, प्यास लगी है लेकिन छठी मैया की कृपा से उसको रोका गया है, और छठी मैया का आशीर्वाद है कि कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी हमें नहीं होती है छठ करने के दौरान। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि छठ करने के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी तकलीफ़ हमको नहीं होती है, हम खुशी खुशी छठ व्रत को कर लेते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं होती। और ख़ास तौर पे ये व्रत बिहार और यूपी में ख़ास तौर से और एक नियमावली के तरह ही इस व्रत को मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि व्रत में टूट भांग ऐसे करके, नियमावली की तरह इस व्रत को मनाया जाता है, और लोग स्वेच्छापूर्वक, श्रद्धा पूर्वक छठी मैया से जो कामना होता है वो मांगते हैं, और छठी मैया कहीं ना कहीं उस कामना को पूरा करने का भी काम करती है। आप सुन सकते हैं इनका भी साफ तौर पर कहना है कि छठ का जो व्रत है, छठ का व्रत बड़े ही धूमधाम के साथ और प्रेम, आपसी भाईचारे, और ये घाट पे जा करके इस छठ व्रत को मनाया जाता है। लोग प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, और देख सकते हैं आप केला भी है, केला बाज़ार में वो सारी चीज़ मौजूद है। केले का जो आज का रेट था वो 40 रुपये था दर्जन के हिसाब से, आप देख सकते हैं।